ये कर्मचारी आपके हैं, ये आतंकवादियों के कब्जे वाले लोग नहीं हैं जिनकी फिरौती देने से आप इनकार कर रहे हैं। इन्हें सैलरी दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप सैलरी दें वरना हम आपको भंग कर देंगे। हम पिछले 7 साल से ये सब देख रहे हैं लेकिन अब नहीं, हम पहले ही आपकी बहुत बार मदद कर चुके हैं लेकिन अब कोई मदद नहीं करेंगे, हम आपसे तंग आ चुके हैं। ये शब्द हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। 1 मार्च को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को जमकर फटकार लगाई, साथ में एमसीडी भंग करने की चेतावनी भी दे दी। हाईकोर्ट ने कहा कि एमसीडी अपने कर्मचारियों को 7वें सेंट्रल पे कमीशन के आधार पर बकाया सैलरी और पेंशन दे, नहीं तो कोर्ट नगर निगम को भंग कर देगी। कोर्ट का कहना है कि एमसीडी के पास अगर कर्मचारियों को सैलरी देने तक का पैसा नहीं है तो दिल्ली की सड़कों, अस्पतालों और दूसरे कामों की देखभाल कैसे करेगी। कोर्ट में आगे क्या हुआ वो भी बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं आखिर एमसीडी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे बेंच इतना गुस्सा हो गई। दरअसल कोर्ट में पुरानी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी जिसमें कुछ मामले 2017 के थे और कुछ कोविड काल के। इनमें से अधिकतर केसेस बकाया सैलरी से जुड़े थे। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की शिकायत थी कि उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है। कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि उनकी पेंशन को रोक दिया गया है। कंप्लेन दर्ज किए 7 साल हो रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। बस इसी बात पर कोर्ट बुरी तरह गुस्सा हो गया और एमसीडी की लंबी क्लास लगा दी। कोर्ट ने कहा हम इस मामले का 7 सालों से ध्यान रख रहे हैं लेकिन अब नहीं कर पाएंगे, इनके लिए कोई फरौती नहीं मांगी जा रही है। या तो एमसीडी ने सैलरी दे नहीं तो अपना काम बंद करें। आप मैच्योर लोग हैं, आपके पास तजुर्बा है, आप काम कर सकते हैं तो करें वरना हम एमसीडी भंग कर देंगे। नाकाबिल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आप अपने भ्रष्टाचार की वजह से हमारा काम बढ़ाते हैं, अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा है तो हमारे पास दूसरा सिस्टम भी है। कोर्ट ने एमसीडी को यह भी याद दिलाया कि लोग 7th पे सैलरी ना देने पर जेल भी जा रहे हैं, इसलिए अगर नगर निगम के अधिकारियों को लगता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा तो यह गलत है। कोर्ट में मौजूद एमसीडी काउंसिल ने भी अपना पक्ष रखा। एमसीडी की वकालत कर रहे एडवोकेट दिव्य प्रकाश पांडे ने कहा इस साल की जनवरी तक की सैलरी कर्मचारियों को दे दी गई है, फरवरी की सैलरी भी 10 दिनों में दे दी जाएगी। एनडीएमसी, एसडीएमसी और ईडीएमसी को एक करने के बाद नगर निगम की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। एमसीडी ने तय किया कि हर महीने 15 से 20 करोड़ रुपए सैलरी के लिए निकाले जाएंगे। एमसीडी के किसी भी तर्क पर कोर्ट राजी नहीं हुआ। कोर्ट ने अंतिम चेतावनी दी कि अगर उन्होंने सैलरी नहीं दी तो एमसीडी को भंग कर दिया जाएगा। कोर्ट ने याद दिलाते हुए कहा कि एमसीडी को भंग करने की भी प्रक्रिया होती है, आप किसी की सैलरी रोकने वाले होते कौन हैं, आप ये नहीं कर सकते। इतनी कड़ी फटकार के बाद कोर्ट ने एमसीडी को 27 दिनों का वक्त दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई होनी है 28 मार्च को। एमसीडी पर कोर्ट के एक्शन पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारी साथी विभावरी ने। मेरा नाम दिव्यांशी समराव है, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।